और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यहाँ पे नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो, प्लीज मेरे पहले के वीडियोस देखो एंड अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गेट टू दिस वीडियो। तो आज के वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिव्यू सम YesStyle कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट। मुझे YesStyle की तरफ से कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स मिले हैं जो मैंने एक महीने तक लगाया है एंड मैं आप लोगों को रिव्यू देना चाहती हूँ कि वो कैसा है। एंड देन मैं शिफ्ट कर रही हूँ नए अपार्टमेंट में। आई हैव ऑलरेडी शोन यू गाइज मेरा रूम, मेरा अपार्टमेंट। मैं वन रूम अपार्टमेंट में रहती हूँ और मेरा एक साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। तो कोरिया में क्या होता है कि आप जब किसी अपार्टमेंट में मूव करते हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है। मोस्टली वी मेक कॉन्ट्रैक्ट फॉर वन ईयर एंड वो मेरा ख़त्म हो चुका है। मतलब मुझे एक बेटर एंड बिगर अपार्टमेंट मिल रहा है सेम प्राइस रेंज में। सो आई थॉट कि मुझे मूव करना चाहिए एंड ये रूम ऑलरेडी बहुत कंजेस्टेड हो चुका है, तो आई विल मूव टू अ न्यू अपार्टमेंट। एंड आज मैं पैकिंग कर रही हूँ एज यू कैन सी। तो मैं अभी अपने किचन में हूँ। ये मेरा अभी के अपार्टमेंट का किचन है और आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा है एंड यहीं पे मेरा वॉशिंग मशीन है एंड इट्स टू कंजेस्टेड। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं न्यू अपार्टमेंट में मूव कर रही हूँ और वहाँ का किचन बहुत बड़ा है एंड इवन एक वॉशिंग के लिए सेपरेट स्पेस भी है। सो आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। मैं अपना नया घर दिखाने वाली हूँ। हाय, सो दिस इज डे टू ऑफ शिफ्टिंग और मैं अपने नए घर में आ गई हूँ। तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ कैसा है रूम। मैं अपने सारे सामान लेके आ गई हूँ। पता नहीं कैसे मैं दो लगेज लेके आई थी इंडिया से 3 years ago और अभी देखो मेरे पास कितने सामान हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा रूम और किचन एवरीथिंग। चलो लेट्स गो। दिस इज़ अ वेरी टिपिकल कोरियन रूम। अगर आप लोग के ड्रामा देखते हो तो आप लोग पता होगा ऐसे ही वुडन स्ट्रक्चर होता है एंड एक डिफरेंट रूम में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कुछ भी चेंज आए ना लाइफ में, इट गिव्स यू अनदर काइंड ऑफ एक्साइटमेंट, वैसा फील हो रहा है। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हाउस की यहाँ के विंडोज़ काफ़ी बड़े हैं एंड मेरे रूम में भी विंडो है। पिछले वाले रूम में वो वन रूम अपार्टमेंट था तो वहाँ पे कोई विंडो नहीं था और नेचुरल लाइट नहीं आता था उतना। तो यहाँ पे काफ़ी सारा नेचुरल लाइट है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू लिव हेयर। सो दिस इज़ माई रूम। ये बड़ा है और यहाँ पे देखो कितना बड़ा एक विंडो है एंड दिस इज़ द हॉल रूम। यहाँ पे एक सोफ़ा रखा है मैंने, कितने सारे सामान, माई गॉड आई हैव टू अरेंज दिस नाउ। एंड दी बड़े बड़े विंडोज एंड हियर कम्स द किचन। किचन इज़ रियली बिग एंड स्पेस है बहुत सारा। सो ये फ्रिज एंड माइक्रोवेव ऑलरेडी था एंड बेस्ट पार्ट इज वॉशिंग के लिए एक डिफरेंट सेपरेट स्पेस। यहाँ पे एक छोटा सा डाइनिंग टेबल भी है एंड वो वाला वॉशरूम है। एंड दिस इज़ द सेकेंड रूम जहाँ पे ये काफ़ी छोटा है बट मैं यहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर करने वाली हूँ। लाइक दो वार्डरोब है यहाँ पे और मैं मतलब दैट वुड बी माय मेन बेडरूम एंड यहाँ पे चीज़ें स्टोर होगा। एक्चुअली कोरिया में एक ऐप है लाइक OLX, इंडिया में OLX था ना, जहाँ पे आप कुछ भी पुरानी चीज़ें बेच और खरीद सकते हो। सेम टाइप का एक ऐप है कॉल्ड कैरेट इन कोरिया वेर यू कैन सेल और बाई यूज प्रोडक्ट्स एंड वहीं से मैंने सारे फर्नीचर्स माइन किए हैं। दिस सोफ़ा एंड माई वार्डरोब्स आई शोड यू राइट नाउ, ऑल्सो मेरा बेड भी आएगा। सो एक्चुअली आई गॉट द वार्डरोब फॉर फ्री। मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे हेल्प किया है, अगर उनको कुछ अच्छा मिल जाता था वो दे यूज टू सेंड मी एंड तो वैसे ही मुझे मिल गया बहुत सारी अच्छी चीज़ें सस्ते में। तो इफ़ यू आर स्टूडेंट हेयर इन कोरिया
और यू वॉन्ट टू कम हेयर टू स्टडी, जस्ट रिमेंबर दिस टिप कि यू कैन यूज कैरेट टू फाइंड गुड जेम्स. चलो अभी मैं काम पे लग जाती हूँ, बहुत सारा काम है मुझे, सब अरेंज करना है एंड सब कुछ अरेंज करके आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा लग रहा है मेरा रूम एंड किचन एंड एवरीथिंग. और आई थिंक मुझे 2 दिन लग जाएंगे, 2-3 दिन. सो सी यू आफ्टर 2-3 डेज. बाय बाय. हाय, हेलो. सो आई थिंक इट्स बिन 7 डेज. मैंने जब से शिफ्ट किया है 7 दिन हो चुका है एंड मेरे पिछले वाले रूम से ये काफ़ी बड़ा है. सो मुझे फर्स्ट फ्यू डेज नींद आने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था. आई वॉज लिटिल बिट स्केयर्ड बिकॉज मुझे भूत से डर लगता है, इंसानों से नहीं. इंसानों से कभी डर नहीं लगता बट आई हैव फियर ऑफ गोस्ट. डोंट थिंक आई एम स्टूपिड बट जब नो इतना भी डर नहीं लगता. लाइक आई एम नॉट वेरी मच स्केयर्ड. आई एम लिविंग अलोन फॉर लॉन्ग टाइम. बस थोड़ा न्यू एनवायरनमेंट है तो मुझे हर चीज़ का आवाज़ें ज़्यादा आ रही थी एंड नींद आने में प्रॉब्लम हो रही थी. बट नाउ इट्स ओके, मैं ठीक हूँ. अभी मुझे उतना डर नहीं लग रहा. एंड अभी आई विल टॉक अबाउट सम यस्टाइल स्किन केयर प्रोडक्ट्स. यस्टाइल इज़ अ शॉपिंग साइट, इफ़ यू डोंट नो. ये कोरियन शॉपिंग साइट है. यहाँ पे आपको कपड़े, ज्वेलरी, स्किन केयर प्रोडक्ट, मेकअप प्रोडक्ट्स, स्पेशली कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कोरियन एंड जापानीज स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे. एंड बहुत ही अच्छा साइट है. इवन आई शॉप क्लोथ्स फ्रॉम देयर. दिस कार्डिगन, दिस क्रॉप कार्डिगन इज़ फ्रॉम यस्टाइल. बहुत सारे क्यूट क्यूट क्लोथ्स मिलते हैं वहाँ पे, क्यूट क्यूट ज्वेलरीज मिलते हैं. इवन द क्लिप्स आर फ्रॉम यस्टाइल. सो आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए ये साइट. एक्चुअली ये स्टाइल इंडिया में डिलीवर करता था पहले बट नाउ ड्यू टू कोविड स्टॉप्ड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स देयर. बट मे बी आफ्टर कोविड दे विल स्टार्ट अगेन. सो यू कैन चेक एनी वे. जब आप जब स्टार्ट हो जाए यू कैन ऑर्डर थिंग्स. सो नाउ आई विल टॉक अबाउट सम स्किन केयर प्रोडक्ट्स दे हैव सेंट मी. एंड ऑब्वियसली इफ यू डोंट नो, कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स आर रियली 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 गुड. बहुत अच्छा है. सो मैं एग्जैगरेट नहीं कर रही हूँ. पहले मैं जब इंडिया में रहती थी एंड अभी मेरे स्किन क्वालिटी में बहुत चेंजेस आए हैं. इट्स मच बेटर नाउ. मुझे लगता है कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स रियली वर्क. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड टॉक अबाउट माई स्किन टाइप. मेरा स्किन कैसा है कि इट्स वेरी सेंसिटिव. सो इवन इफ द वेदर चेंजेस माई फेस टर्न्स रेड. एंड अगर मैंने कुछ ऐसा लगा लिया, मेकअप, हैवी मेकअप भी कर लूँ या कुछ चीप प्रोडक्ट्स यूज कर लूँ, माई स्किन स्वेल्स अ लिटिल बिट एंड रेड हो जाता है. ऑल्सो आई थिंक माई स्किन इज नॉर्मल. लाइक ये विंटर में ड्राई फील होता है एंड समर में इट फील्स ऑयली. सो आई थिंक आई हैव अ नॉर्मल स्किन टाइप. तो अभी चलते हैं प्रोडक्ट रिव्यू पे और आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस. एक्चुअली मैं ये 1 मंथ से यूज कर रही हूँ. 1 मंथ के बाद ही आई शुड गिव माई रिव्यू कि कैसा रहा. तो फर्स्ट थिंग आई गॉट दिस इज फ्रॉम क्लेयर्स एंड ये मॉइस्चराइजिंग स्किन केयर प्रोग्राम से है. इट बैलेंसेज योर pH एंड डीप मॉइस्चराइजिंग, वेगन फ्रेंडली, क्लींजर्स एंड सूदेस. सो आई थिंक दिस आर ऑल द थिंग्स आई नीड इन अ टोनर. मुझे वो अल्कोहलिक ड्राइंग टोनर बिल्कुल पसंद नहीं है. सो आई नीडेड वन मॉइस्चराइजिंग टोनर एंड इट्स वेरी गुड फॉर माई स्किन. यू कैन नॉट सी बट आई हैव यूज्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट. जब से मुझे मिला है मैंने यही यूज़ किया है फॉर एवरी डे एंड बहुत अच्छा टोनर है. इट डिडंट ब्रेक मी आउट, मतलब ना ही मेरे स्किन को ज़्यादा ऑयली बनाता है एंड ड्राई तो बिल्कुल नहीं करता है. ये मॉइस्चराइज करता है बट ऑयली नहीं बनाता है. तो इवन कोई रेडनेस नहीं हुआ तो ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी अच्छा है एंड आई रियली लव्ड इट. सो अगर आपका नॉर्मल टू ड्राई स्किन है यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट. आई डोंट नो अबाउट ऑयली स्किन टाइप बिकॉज मे बी ऑयली स्किन टाइप को इतनी मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत नहीं है. स्टिल इट्स नॉट
it does not make your skin oily. So I think you can use it. Most importantly, ये pH balance करता है, so मेरा skin breakout नहीं हुआ. That is very important. Okay, so next thing I got is this. This is from Vanilla Co. Clean It Zero बोल के एक product है, which is actually a cleansing balm. तो ये cleansing balm है. क्लिनजिंग बाम कैसे काम करता है? क्लिनजिंग ऑयल की तरह. आपको अगर आप हैवी मेकअप करते हो एवरी डे और इवन समटाइम्स, यू शुड यूज सम क्लिनजिंग बाम बिफोर यूजिंग फोम. मतलब फेस वॉश यूज करने से पहले आपको कोई क्लिनजिंग बाम से मेकअप उतार लेना चाहिए. तो ये बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी है इसका, एंड वेन यू रब टू योर स्किन सारे मेकअप निकल जाते हैं और बहुत क्लीन फील होता है. मतलब पहले इसको रब करो, देन कोई गीले टॉवल से पोंछ लो, तो यू फील लाइक सारा डर्ट निकल गया मुंह से. इवन इन समर व्हेन योर फेस गेट्स वेरी ऑयली, अगर आप बाहर निकल रहे हो आपको लग रहा है कि डस्ट चिपक रहा है, तो दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड. एंड दिस इज़ रियली गुड, रियली रियली गुड. एक्चुअली ये स्टाइल के भेजने से पहले भी मैं ये यूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है ये वाला प्रोडक्ट. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट आई गॉट इज आयोनिक के सीरम्स. तो इसमें 3 सीरम्स हैं. तो अगर आप फॉलो करते हो कोरियन स्किन केयर मेथड्स, उसमें 10 स्टेप स्किन केयर में सीरम भी आता है. लाइक आफ्टर यूजिंग टोनर यू शुड यूज 1 सीरम. और सीरम का फंक्शन क्या है, लाइक यू कैन चूज स्पेसिफिक सीरम आपके स्किन के नीड के हिसाब से. सो हेयर आई हैव 3 सीरम्स, जहाँ पे एक फर्स्ट वन इज प्रोपोलिस विटामिन सिनर्जी सीरम, जो कि इसमें विटामिन सी भी है. सो प्रोपोलिस और विटामिन सी क्या करता है, आपके स्किन को काम करता है, सूद करता है. अगर आप विटामिन सी है तो इससे आपके स्किन को एक ब्राइटनिंग इफेक्ट भी मिलता है. आई रियली लाइक ऑल 3 ऑफ दिस बिकॉज तीनों ने मेरे स्किन पे कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं दिया. तो इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन यू कैन गो फॉर एनी 3 ऑफ दिस. सो ये प्रोपोलिस विटामिन कामिंग एजेंट है इसमें, सो इट मेक्स योर स्किन काम. नेक्स्ट वन इज टी ट्री रिलीफ सीरम. ऑल्सो फ्रॉम द नेम यू कैन गेट कि ये भी रिलीफ करता है आपके स्किन को, कामिंग एजेंट है. बट ऑल्सो इट टेक्स केयर ऑफ योर ब्लेमिशेस, ब्लेमिश रिड्यूस करता है. एज यू कैन सी आई गॉट सम एक्नेस और मार्क्स भी है, तो इट विल हेल्प reducing the marks. Rose galactomyces synergy serum. So this has rose water, niacinamide, sab milke actually it gives your skin a moisturizing effect. Ek dewy finish deta hai aapke skin ko. Aur so all 3 of this is very good. Aap अगर आपको ट्राई करना है तो आप ये स्टार्टर किट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस पर छोटे छोटे सैम्पल्स हैं. एक ही बार में बड़ा सैम्पल यूज़ करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया. सो नेक्स्ट उन लोग ने ये भेजा, दिस इज़ अनदर किट बाय सम बाय मी, और यूजा नियासिन किट है. इसमें 4 चीज़ें हैं. फर्स्ट वन इज़ अ टोनर. एज यू नो यू शुड डू टोनिंग. देन सेरम है, देन एक जेल क्रीम है, एंड देन स्लिपिंग मास्क है. सो दे सेड दैट यू शुड क्लीन योर फेस एंड देन यूज द टोनर, फिर सेरम लगाओ, फिर द जेल क्रीम लगाओ, फिर स्लिपिंग मास्क लगा के सो जाओ. यूजा नियासिन रेंज है. तो यूजा इज अ सिट्रस फ्रूट और उसके एक्सट्रैक्ट यूज है इसमें. तो ये पूरा किट क्लेम करता है मॉइस्चराइजेशन. एवरी कोरियन प्रोडक्ट क्लेम्स मॉइस्चराइजिंग. सो कोरियंस नो दैट मॉइस्चराइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली जब मैं इंडिया में रहती थी मैं कभी मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करती थी. मे बी इन विंटर आई यूज टू यूज़, बट समर में कभी नहीं, बिकॉज इट वॉज सो ह्यूमिड एंड कभी मतलब ड्राई फील नहीं होता था, तो आई डिडंट यूज़. सो वो बहुत बड़ी गलती है. अगर आप इवन इट्स ह्यूमिड और बहुत गर्मी है, स्टिल यू शुड यूज़ अ मॉइस्चराइजर जो बहुत लाइट हो. लेकिन मॉइस्चराइजर यूज़ करने से आपका स्किन गेम पूरा चेंज हो जाता है. स्किन लाइक स्किन फील्स सो मच डिफरेंट, आई कैन नॉट इवन टेल यू. दिस किट इज़ वेरी गुड फॉर समर टाइम और मॉइस्चराइज भी करता है, बट
जेल मॉइस्चराइजेशन है सो समर के लिए परफेक्ट है. सो ऑल्सो इट टेक्स केयर ऑफ योर ब्लेमिशेस. सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड. अगर आपका एक्ने प्रोन ब्लेमिश प्रोन स्किन है आप ये ट्राई कर सकते हैं. नाउ दैट द रिव्यू इज ओवर मैं आप लोगों को मेरा घर दिखा देती हूँ. उतना मैंने डेकोरेशन में अभी ध्यान नहीं दिया है बिकॉज अभी बस 7 ही दिन हुए हैं. आई विल ऐड सम थिंग्स बट मुझे ये घर बहुत पसंद आया बिकॉज यहाँ पे नेचुरल लाइट बहुत ज़्यादा है और बहुत एयरी है, एयर सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है. तो पिछले वाले रूम में मेरा कोई विंडो नहीं था, बस एक विंडो था जो कि किचन में था. तो किचन का डोर खोल के विंडो खोल के ही कुछ एयर पास होता था. बट यहाँ पे बहुत सारे विंडोज़ हैं एंड इट्स वेरी मच स्पेशियस. सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड. चलो चलते हैं, मैं आपको मेरा घर दिखाती हूँ. लेट्स गो. चलो अब मैं दिखाती हूँ मेरा नया घर. सो ये एंट्रेंस है. यहाँ पे मैंने एक सोफा रखा है. यू कैन सी विंडोज कितने बड़े हैं एंड काफी नेचुरल लाइट आ रहा है. एंड हियर इज माय प्लांट जो रेन में बाहर रखा था, इसलिए इसका हालत ऐसा हो गया है, मुरझाया हुआ सा. बट प्लांट को भी लाइट एंड एयर मिल रहा है अभी. ओके सो दिस इज द हॉल रूम. यहाँ से ये यहाँ पे एक छोटा सा रूम है एंड आई कॉल इट माय वार्डरोब. वार्डरोब तो नहीं है खैर, बट हियर आई हैव टू बिग वार्डरोब्स. सो मैंने सब कुछ यहाँ पैक कर दिया है, एवरीथिंग. सो अभी मेरा घर मैसी नहीं होता है जल्दी. यहाँ पे एक स्टडी स्पेस विथ लॉट्स ऑफ माई पेन्स एंड जर्नल्स. मैं जर्नल लिखने की ट्राई कर रही हूँ एवरी डे. इट्स वेरी हेल्पफुल. आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए. राइट सम पॉजिटिव थिंग एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग. इट काम्स यू डाउन. एंड हियर इज माई ड्रेसिंग टेबल जहाँ पे मेरे मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स है. अब मैं रोजेस को अरेंज करती हूँ. स्टिल इट गेट्स मेसी. Here is me. Hello. Let's go. यहाँ से चलते हैं किचन. किचन के यहाँ एक छोटू सा डाइनिंग टेबल है. चेयर्स काफी पुराने हैं. I didn't get time to change it. But अगर मुझे कुछ मिला second hand अच्छा सा, I will change it. एंड अभी 6:25 हो रहा है. 6:25 मॉर्निंग तो बिल्कुल नहीं. आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन. अभी शाम के 6:25 हो रहा है. एंड हेयर इज द ओवन एंड सिंक. और यहाँ पे एक बड़ा सा रैक है विच इज़ वेरी मच यूजफुल. आई एम सो हैप्पी विद द किचन. यहाँ पे खाना बनाने का भी मन करता है. सो हेयर इज माई स्नैक्स जो मुझे रात के 12 बजे एवरी डे खाने का मन करता है. तो स्पेशली चिप्स एंड ऑल. और कोरिया में शॉप्स है जहाँ पे इंडियन फूड मिलता है, स्पेशली हल्दीराम के चीज़ें मिलते हैं. सो ये हल्दीराम का सोन पापड़ी है जो मेरी फ्रेंड मेरे लिए लाई थी. नाउ लेट्स गो टू माय रूम. कम ऑन कम ऑन. सो यहाँ पर मैंने 2 कारपेट बिछाया बिकॉज आई लव कारपेट्स. एंड ऑल्सो आफ्टर 3 ईयर्स आई एम स्लीपिंग ऑन अ बिग बेड. नहीं तो अभी 3 ईयर्स से मैं सिंगल छोटू से बेड में सो रही थी. एंड यू कैन सी बहुत बड़े बड़े विंडोज हैं एंड बहुत सारा नेचुरल लाइट है. अभी तो मैंने रूम का लाइट भी नहीं जलाया है. As you all know, my favorite corner. यहाँ पे मैंने 2 mirrors रखे हैं. एक छोटा सा mirror, एक बड़ा सा. And fairy lights. मेरी कुछ flowers. Hello me again. And
यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव पीसेस हैं एंड लॉट्स ऑफ कुशंस, क्योंकि मुझे कुशंस बहुत पसंद है. एंड ये सारे स्केचेस मैंने बनाए हैं. मैं एक्चुअली पहले बहुत स्केच करती थी, अभी तो मुझे कोई टाइम नहीं मिलता है. आई एंड हियर इज वन ऑफ द चेस्ट ड्रॉर्स. यहाँ पे मेरा लैपटॉप है, मेरे जर्नल्स है जो मैं रात को लिखने की ट्राई करती हूँ, कैंडल्स है, सेंटेड कैंडल्स. एंड हेयर इज अनदर चेस्ट ड्रॉर, दिस वन इज़ माई फेवरेट. बहुत स्पेस है इसमें, कुछ भी ढूंस दो बस घर में से नहीं होता है. एंड ये सारे पिक्चर्स मेरे फ़ोन में लिए गए हैं, मैंने लिया है. सो यू शुड नो अबाउट दिस प्लेस इफ़ यू लव कोरिया. दिस इज़ इन सोल, द नमसान टावर. अगर आप के ड्रामा देखते हो तो दिस इज़ लाइक द मोस्ट रोमांटिक प्लेस इन सोल और इन कोरिया. एंड हियर इज़ अ पिक्चर, ये ऑटम का पिक्चर है, जस्ट आउटसाइड माई बिल्डिंग, मतलब डिपार्टमेंट बिल्डिंग के आउटसाइड ऐसा व्यू हो जाता है ऑटम में. इट्स अमेजिंग, राइट? एंड हियर इज़ अ सनसेट पिक्चर जो कि मैंने ऐसे ही रैंडमली स्ट्रीट क्रॉस करते हुए लिया था. एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद सनसेट्स. आई फील सनसेट्स आर सो ब्यूटिफुल. एंड हियर इज़ अनदर ऑटम पिक्चर, ये जब मैं डॉम में रहती थी. ये डॉम के जस्ट आउटसाइड एक रोड है, मेरी यूनिवर्सिटी में ही वहाँ का है. इट लुक्स सो ब्यूटिफुल. सो यहाँ पे कैंडल है, तो रात को अगर मैं सारी कैंडल्स एंड फेरी लाइट्स जला दूँ तो द वाइब ऑफ द रूम इज डिफरेंट. इट्स सो ब्यूटिफुल. सो जस्ट वेट सम टाइम, मैं डार्क होते ही आई विल शो यू द नाइट मोड. सी यू. आई होप यू गाइज लाइक माई रूम. इफ यू डिड प्लीज कमेंट फ्लावर इमोजेस, लॉट्स ऑफ फ्लावर इमोजेस. आई विल नो कि आप लोगों को पसंद आया. सो आई टोल्ड यू ऑल कि रात को जब लाइट्स ऑन कर दो सारे तो वाइब ही डिफरेंट होता है. एंड फाइनली मैंने ये दो रैक्स ऐड किया है यहाँ पे. एंड आई थिंक इट्स लुकिंग गुड. एंड ऑल्सो माई बेड हैज़ अ लाइट. ओके, आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो एंड माई रूम. इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ थम्स अप. सी यू ऑल, बाय बाय एंड गुड नाइट. चल गा.